नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। चलिए दिखाते हैं आपको उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरें। दिल्ली में होने जा रही G20 बैठक को लेकर भारत सरकार ने बड़ी तैयारी की हुई है। दिल्ली को सुरक्षा घेरे के बीच रखा गया है। वहीं इसका असर केदारनाथ धाम में भी देखा जा रहा है। केदारनाथ धाम में उड़ने वाले तमाम हेली सर्विस को 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दरअसल भारत सरकार ने केदारनाथ में उड़ने वाली तमाम हेलीकॉप्टर सर्विस को दिल्ली G20 बैठक के लिए बुक कर लिया है। मौजूदा समय में यहां करीब 8 कंपनियां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में मेहमानों के आने जाने और मेहमानों की संख्या को देखते हुए केदारनाथ की तमाम हेली सर्विस को दिल्ली में काम पर लगाया गया है। हाँ, इस तरह की चर्चा आई तो मैंने कन्फर्म किया। इसमें पता चला कि वहाँ जो जितने भी हेलीकॉप्टर है केदारनाथ के लिए, वो सब हायर कर लिए गए वहाँ G20 को देखते हुए। तो इस तरह से 7 तारीख से 11 तक केदारनाथ के लिए कोई भी हेली सेवा अब उपलब्ध नहीं है। अब यही है कि हेलीकॉप्टर चलना है नहीं इस बीच में, तो लिहाजा ये पैदल मार्ग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे केदारनाथ जी जाया जा सकता है। उत्तराखंड STF वर्ल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो और वन विभाग ने बाजपुर से 3 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टाइगर की 2 खाले बरामद की गई हैं। गिरफ्तार तस्कर उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय से वन्य जीव के खालों और अंगों की तस्करी में लिप्त थे। उत्तराखंड STF वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर काशीपुर से रुद्रपुर जा रहे एक ट्रक को बुधवार को बाजपुर दोराहे के पास घेराबंदी करके रुकवाया। अधिकारियों ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें से शेर की 2 खाले और शेर की 35 किलो हड्डियां बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह, कुलबिंदर सिंह और जोगा सिंह के रूप में हुई। तीनों आरोपी शेर की खालों और हड्डियों को रुद्रपुर में बेचने के लिए ले जा रहे थे। गिरफ्तार तीनों वन तस्कर पिछले काफी समय से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय थे। उत्तराखंड पुलिस की STF और वन विभाग के अधिकारी उनकी तलाश में थे। STF के मुताबिक इस गैंग के 7 सदस्यों को जुलाई में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब गैंग के इन बचे हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वन्य जीव तस्करों का नेटवर्क पूरी तरह साफ हो गया है। STF अब इस बात की जांच कर रही है कि ये गैंग अब तक कौन कौन से और कितने जानवरों का शिकार कर चुका है। जिन 2 शेरों के खाल और हड्डियां बरामद हुई हैं, उनका शिकार कब और किस जंगल में किया गया है। की टीम है हमारी, बाकी क्राइम्स के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है उसके लिए भी लगातार कार्रवाई करती रहती है, और जो प्रमुख वन्यजीव तस्कर हैं उन पर निगरानी भी रखती है, और अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की जाती है तो उसको भी रोका जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन पूर्व ही, लगभग 1.5 महीने पूर्व, हमने एक टाइगर स्किन बरामद की थी उधम सिंह नगर से, और उसी क्रम में उसमें आगे लीड पर काम करते हुए कल शाम को बाजपुर उधम सिंह नगर से 2 टाइगर स्किन बरामद की गई हैं और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों तस्कर जसपुर उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। ये लोग कल एक ट्रक में 2 टाइगर स्किन लेकर जा रहे थे। स्किन के साथ साथ कुछ टाइगर की जो बोन्स हैं, लगभग 35 किलोग्राम हड्डियां बरामद हुई हैं, और इनसे पूछताछ की जा रही है। जो पिछली बार गैंग पकड़ा गया था, कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड हैं ये, तो उन लोगों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें केदारनाथ घाटी के बासुकी ताल से ऊपर ट्रैक पर गए 4 लोगों के दल में एक शख्स की अचानक तबीयत खराब होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने ट्रैकर की मदद से न सिर्फ इस दल को ढूंढा बल्कि सही सलामत उन्हें बासुकी ताल लाया गया। यही नहीं, जिलाधिकारी के आदेश पर पवन हंस हेली सेवा के माध्यम से बीमार पर्वतारोही को रेस्क्यू करने के बाद उसे फाटा पहुंचाया गया और वहां से एम्बुलेंस से रुद्रप्रयाग भेज के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आपदा परिचालन केंद्र को सूचना मिली थी कि 4 लोगों की ट्रैकर्स टीम बासुकी ताल से ऊपर गई थी, जिनमें से एक ट्रैकर आदित्य की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। फिलहाल बीमार ट्रैकर का इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के ठोई गांव में ग्रामीण जंगली जानवर गुलदार के आतंक के साए में जी रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि ठोई गांव के जंगलों में कई बार गुलदार देखे जा चुके हैं। खेतों में अक्सर गुलदार के पैरों के निशान की वजह से किसानों ने खेतों में जाना भी बंद कर दिया है। आलम यह है कि शाम होने से पहले ही ग्रामीण घरों में दुबक जाते हैं और पूरी रात गुलदार की दहशत में गुजर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक वन विभाग की टीम ने भी खेतों में निरीक्षण तो किया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वन विभाग के मुताबिक ठोई गांव के जंगलों में गुलदार होने की सूचना उन्हें कई दिनों से मिल रही है। हालांकि जांच में अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। विभाग के अधिकारी इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं और पूरी तरह से अलर्ट पर है। ये विगत 3-4 दिनों पहले जो मेरे को सूचना मिली थी और मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया था वहाँ पर। हमने टीम गठित की, वहाँ पे जो सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर की अध्यक्षता मैंने एक टीम गठित की और वहाँ पे गांव में हमने भेजी है। गांव वालों को प्रॉपर सहयोग हमें मिल रहा है, लेकिन कहीं पे भी जो है गुलदार की आवाज़ है कि हमें संकेत नहीं मिले वहाँ पे।
लेकिन फिर भी हम गांव वालों के साथ, ठोई गांव है, शिकारपुर है, जितने भी वहाँ पे आसपास में गांव हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों ने संपर्क बना रखा है। हम रात को जो रात्रि गश्त करते हैं, कहीं पे भी इस तरह की घटनाएं होती तो हमारा पूरा सहयोग जो स्थानीय लोगों के साथ है। मामला यो है, उस दिन से बरखा लागू हुई थी, ज़्यादा पानी आया था, ये जानवर बड़ों में तो यहाँ आकर इन्होंने आतंक भी क्या रखा, कोशिश पाड़ने तोड़ने कर रहे लोगों को, रास्ते में बैठे 20-20 आदमी इकट्ठे हुए गए, जहाँ घास नहीं तो यहाँ डंगर भी भूखे मिल गए, पानी नहीं फेर सकते रात को, वो खत्म हो गया कहने का। रात को घर पर डर लगे क्या कहते का, दिन में जंगल में लगो करेंगे कार रवि कुछ भी कर लो, पिंजरा पांजरा करके इसे यहाँ तो ले जाओ। ये अभी लगभग 15 दिन से हमारे गांव में शोरगुल है कि एक जंगली जानवर है, उसके साथ कोई बच्चा भी है, और 2-3 आदमियों ने जो देखा है उसकी पुष्टि करी गई है गुलदार के रूप में, वो गुलदार देखा गया, एक बच्चा है, वो छोटा एक बड़ा है, इसी वजह से लोग खेत में जाने से भी बहुत परेशान है, घास नहीं मिल रहा पशुओं को, और लोग बाग जो खेत में भी नहीं जा रहे, दहशत का माहौल, वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, 2 बार सूचना भी दे ली। दक्षिण पूर्व यूरोप का फल चेस्टनट से उत्तराखंड का बड़ा नाता है। आपको जानकर भले ही हैरानी होगी कि यूरोपीय फल चेस्टनट का भला उत्तराखंड से क्या लेना देना। दक्षिण पूर्व यूरोप के चेस्टनट को उत्तराखंड में पांगर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के इस चेस्टनट यानी पांगर की डिमांड देश के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में है। आखिर क्यों उत्तराखंड के चेस्टनट यानी पांगर की इतनी डिमांड है, क्यों उत्तराखंड के किसान अब इस फल को उगाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, इस रिपोर्ट में हम आज आपको बताते हैं। दक्षिण पूर्व यूरोप का फल चेस्टनट उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बहुतायत रूप में पाया जाता है। यहाँ के लोग इसे पांगर के रूप में जानते हैं। चेस्टनट मीठा फल होने के साथ औषधीय गुणों से भरपूर है। चेस्टनट का स्वाद मीठा होता है। औषधीय गुणों की प्रचुर मात्रा होने के चलते इसकी अच्छी खासी मांग है। उत्तराखंड में पांगर 200 से लेकर 300 रुपए प्रति किलो तक बिकता है, लेकिन भारत के दूसरे हिस्सों या विदेशों में जाते ही इसकी कीमत और बढ़ जाती है। उत्तराखंड के किसानों के लिए पांगर कमाई के बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। इस फल को पानी में उबालकर और आग में पकाकर दोनों तरीकों से खाया जाता है। कुमाऊं मंडल के नैनीताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर और पदमपुरी जैसे ठंडे इलाकों में चेस्टनट भारी मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, सी, B6 से भरपूर है। ये इम्यून सिस्टम के लिए रामबाण बताया जाता है। हृदय रोग के खतरे को कम करने के साथ ही डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोगों में भी ये बेहद फायदेमंद है। चेस्टनट में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन सी और मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। पांगर कई बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। स्थानीय किसानों के मुताबिक मार्केट में चेस्टनट की अच्छी खासी मांग है, इसलिए उत्तराखंड के कई इलाकों में ये स्वरोजगार का भी जबरदस्त साधन बनता जा रहा है। खास बात यह है कि इस फल का नुकसान जंगली जानवर नहीं करते हैं। मई और जून में इसके पेड़ में फूल आते हैं और अगस्त सितंबर तक इसके फल तैयार हो जाते हैं। पांकर का फल बाहर से नुकीले कांटों की परत से ढका होता है। फल पकने के बाद ये खुद ब खुद पेड़ से गिर जाता है। कांटेदार आवरण को निकालने के बाद फल को निकाल लिया जाता है। हल्की आंच में भून या उबालने के बाद इसके एक और छिलके को चाकू से निकालने के बाद अंदर से निकलने वाले मीठे गूदे को खाया जाता है। यहाँ से वो गेठिया, गेठिया हो गया तला गेठिया, मल्ले गेठिया, और ये भंगाली कैंची धाम, और ये रामगढ़ तला रामगढ़ मल्ला रामगढ़, और ये नैनीताल, नैनीताल और मल्लीताल, तलीताल और तागुला, और ये खुरुपताल हो गया, और मंगोली साइड बहुत होता है, और जहाँ ठंडा ठंडा होता है वहाँ, जहाँ ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ ज़्यादा फलता है। ये बहुत अच्छा पौधे पेड़ बनते हैं और बहुत स्वास्थ्य चीज़ है ये। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार के अवसर पर केदारनाथ मंदिर में भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर धाम में मौजूद तीर्थ पुरोहितों, मंदिर समिति के अधिकारियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल के जयकारों के साथ धाम में भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में केदारनाथ धाम भक्तिमय रंग में रंगा हुआ दिखा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मनमोहक शोभा यात्रा के साक्षी बने। तीर्थ पुरोहित समाज ने जन्माष्टमी पर तीर्थ यात्रियों और विश्व में सुख समृद्धि और शांति की कामना के साथ पूजा पाठ किया। वासुदेवाय हरये परमात्मने, आज भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव पर बद्रीनाथ मंदिर समिति के द्वारा इसके मुख्य संयोजक कार्य अधिकारी योगेंद्र सिंह जी, मुख्य कार्य अधिकारी रमेश चंद्र तिवारी, उनके द्वारा
एक विशाल भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों तीर्थ यात्रियों ने शामिल होकर के भगवान कृष्ण की जाति का उत्साह वर्धन किया। हम सभी तीर्थ यात्रियों की कामना के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ जय बाबा केदार, ओम नमः शिवाय, हर कृष्ण भगवान की जय। बॉलीवुड कलाकार और रामानंद सागर के बेस्ट सीरियल श्री कृष्णा के एक्टर सर्वदमन बनर्जी ने ऋषिकेश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। बता दें कि श्री कृष्णा धारावाहिक से प्रसिद्धि पाने वाले सर्वदमन बनर्जी अपनी पत्नी के साथ ऋषिकेश में पंख द क्रिएटिव स्कूल चला रहे हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ इस पावन त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया। इस दौरान सर्वदमन बनर्जी के कृष्ण के अभिनय को पसंद करने वाले लोगों ने भी उनके साथ बड़ी संख्या में फोटो खिंचवाए। वहीं उनकी पत्नी और पंख द क्रिएटिव की संस्थापक अलंकृता बनर्जी ने अपनी एक पुस्तक का विमोचन भी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक साल आज पूरा हो गया है। इस मौके पर पार्टी ने देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा में राहुल गांधी ने पार्टी के कई नेताओं के साथ 4000 किलोमीटर से अधिक की लंबी यात्रा निकाली थी। वहीं से लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने भारत को तोड़ने का काम किया है और आज वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब से उसने कश्मीर और लेह लद्दाख को भी जोड़ने का काम किया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस को भारत के नाम पर आपत्ति है, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। जिन लोगों ने समय समय पर भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, भारत को तोड़ने का प्रयास किया, आज वो दिखावे में और मजबूरी में भारत जोड़ो का नाटक कर रहे हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है, और जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ, तो हमने जम्मू कश्मीर को जोड़ा, हमने लेह लद्दाख जो पूरा क्षेत्र था उसको जोड़ने का काम किया। हमने इस भारत को एकजुट और मजबूत रखने के लिए, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं, वो भूतोना भविष्यति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्रीय नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है और भारत जुड़ा हुआ है। वो किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसका सेलिब्रेशन करने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग खुद कन्फ्यूजन है, उनका कन्फ्यूजन बना रहना चाहिए और उनको ज़मीनी स्तर पर कहीं पर भी कार्य करते हुए आप देख नहीं रहे होंगे, चुनाव के समय जरूर दिखाई देते हैं। कुछ लोग इकट्ठा होकर गठबंधन बनाने की भी बात करते हैं। जिन लोगों को भारत के नाम से एलर्जी है कि भारत नाम क्यों रखा जा रहा है, तो क्या भारत जोड़ने की बात करेंगे? उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।